हमें जो है वो चैप्टर नंबर 13 से मिरर फॉर्मूला को ड्राइव करना है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं मिरर फॉर्मूला ड्राइव करना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे ए बी, ठीक है, और उसको प्लेस करेंगे कंकेव मिरर के एफ और टू एफ के दरम्यान में, ठीक है। तो होगा क्या, हमें रियल और इन्वर्टेड इमेज मिल जाएगा 2F के बियॉन्ड, ठीक है, जैसे कि शो हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पर रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट AB को F और 2F के दरमियान में आपको दिख रहा होगा, हमने ऑब्जेक्ट AB को F और 2F के दरमियान में रखा हुआ है। तो आपको पता है कि रिफ्लेक्शन एंगल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई लाइट रे पोल पे इंसिडेंट होती है तो जिस एंगल पे आती है उसी एंगल से जाती भी है, जिस एंगल से पोल पे इंसिडेंट हो रही है उसी एंगल से जा भी रही है, ठीक है। और उसके बाद एक और रे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस पे इंसिडेंट होगी तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के सीधे जाएगी, जहां पर ये दोनों लाइट रे इंटरसेक्ट हो रही हैं वहां पर इमेज बन जाएगा। तो आपको दिख रहा है इमेज 2F के बाद बना है, 2F से बियॉन्ड बना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम हमने ए बी रखा है और इमेज का नाम हमने रखा है ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या कहला रही है, एच ओ कहला रही है, और इमेज की हाइट क्या कहला रही है, एच आई कहला रही है। अच्छा, आपको ये भी देखना है कि ऑब्जेक्ट से पोल तक का फासला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी होता है और इमेज से पोल तक का फासला कहलाता है इमेज डिस्टेंस क्यू। प्रिंसिपल फोकस से पोल तक का फासला फोकल लेंथ होता है और हमें ए से एफ का फासला भी लिखना होगा। तो पी में से अगर हम इस एफ को माइनस करते हैं तो ए से एफ का फासला आ जाएगा पी माइनस एफ। अब हमने ये देखना है कि दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ए बी पी और एक है ए डैश बी डैश पी। ये दोनों ट्राइंगल बराबर है, बराबर क्यों है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये वाला एंगल इस ट्राइंगल में 90 का है और इस ट्राइंगल में भी एंगल 90 का है, ठीक है। अच्छा, ये जो एंगल होगा इसको लेट्स सपोज नाम देते हैं अगर हम लोग अल्फा, तो ये भी एंगल अल्फा है, ये भी एंगल अल्फा है। तो इन दो ट्राइंगल में ए बी पी ट्राइंगल में और ए डैश बी डैश पी ट्राइंगल में दो एंगल सेम है, तो तीसरा एंगल में क्या होगा, सेम होगा। जब तीन एंगल सेम हो गए तो किसी ट्राइंगल में अगर 6 में से 3 चीजें सेम हो जाती है ना, ट्राइंगल में 6 एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से, 3 साइड 3 एंगल, यहां पर क्या हुआ 3 एंगल सेम हो गया, तो मतलब ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, इक्वल हो गया। तो ये बात देखिए हमने, क्योंकि ट्राइंगल ए बी पी और ए डैश बी डैश पी सिमिलर है तो मतलब क्या होगा, इन दोनों ट्राइंगल के परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को देखना है। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, ट्राइंगल ए बी पी में परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, लिख दिया। यहाँ पर बेस क्या है, ए पी है, लिख दिया। अच्छा, इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, ए डैश बी डैश है, ठीक है। इसमें इसमें बेस क्या है, ए डैश पी, लिख दिया। अब आपको इसकी वैल्यू लिखनी है, जैसे दिख रहा है ए से बी क्या है, एच ओ ए, लिख दिया आपने। ए पी क्या है, ये लिखा हुआ है ए से पी क्या है, ऊपर लिखा हुआ क्या है, ये पी है। अच्छा, ए डैश बी डैश किसके बराबर है, एच आई के, आपने एच आई लिख दिया। ए डैश पी क्या है, इमेज डिस्टेंस क्यू के बराबर आपने लिख दिया। अच्छा, इसको आपने क्या किया, अरेंज किया, क्यू अपॉन पी बनाया, तो क्या हो गया, आपको यहाँ पर ट्राइंगल दिख रहा है आप लोगों को कि ए बी, इसके अलावा ए बी एफ और साथ में डी पी एफ, ये ट्राइंगल दिख रहा है, ए बी एफ और डी पी एफ, ये ट्राइंगल भी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम हो गया, यहाँ भी 90 है और यहाँ पर अगर मैं इसको इमेज लाइन खींच दूं तो ये भी एक ट्राइंगल बन जाएगा, तो ये भी 90 का एंगल बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक 90 का एंगल बन जाएगा। तो इस ट्राइंगल में भी ए पी एफ और डी पी एफ ट्राइंगल में भी दो एंगल सेम है, तो तीसरा एंगल भी सेम होगा, मतलब क्या होगा कि दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो यह बात लिखी हमने कि ट्राइंगल ए पी एफ और डी पी एफ भी क्या है, सिमिलर है, तो इन दोनों का परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब आपने देखना है इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है, ए बी क्या है परपेंडिकुलर, ए बी, बेस केस में ए एफ, ठीक है। इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या है, डीपी है ना, क्या है, डीपी है, लिख दिया। और इसका बेस क्या है, पी एफ है, ठीक है। अब आपको देखना है जो डीपी होगा ना, जो डीपी होगा वही ए डैश बी डैश होगा, क्योंकि लाइन सेम जा रही है ना, देखो लाइन सेम जा रही है, जो डीपी होगा वही क्या होगा, ए डैश बी डैश होगा, जो डीपी होगा वही ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश, और ए डैश बी डैश क्या है बच्चों, एच आई, क्या है, यहाँ पर आपने लिखा एच आई, ठीक है। और ए बी की वैल्यू क्या थी, एच ओ थी, लिख दिया आपने। ए एफ की वैल्यू क्या थी, लिखा हुआ है पी माइनस एफ, ठीक है। और इसके अलावा जो यहाँ पर लिखा हुआ है पी एफ, पी एफ क्या है, यहाँ लिखा हुआ है पी एफ, लिखा हुआ है क्या, फोकल लेंथ, ठीक है। अब आपने इसको भी अरेंज किया, एच ओ को डिवाइड में लिख दिया और जो एफ डिवाइड में था वो वहां क्या हो गया, मतलब हो गया। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गए, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करना है, क्योंकि इक्वेशन 1 और 2
मैं दोनों तरफ एक ही साइड सेम है, यहाँ भी एच आई अपॉन एच ओ है, यहाँ पर भी एच आई अपॉन एच ओ है, ठीक है। तो कंपेयर करने पे क्या होगा, जो साइड सेम नहीं है वो इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन पी और एफ अपॉन पी माइनस एफ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा कंपेयर करने पर। अब क्या करना है हमने, इसको रेसिप्रोकल लेना है, p ऊपर चला जाएगा, q नीचे आ जाएगा, और p माइनस एफ नीचे ऊपर चला जाएगा और f नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमने दोनों तरफ p से क्या करना है, डिवाइड करना है, इधर भी डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ भी डिवाइड है p, यहाँ भी डिवाइड है p, क्योंकि हमने दोनों तरफ क्या कर लिया, डिवाइड करवा दिया। अब क्या होगा, इस यहाँ तक यहाँ पर p से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वन अपॉन q, और यहाँ पर हम लोग एलसीएम को ब्रेक करेंगे, तो पी एफ को इधर लिखेंगे और इधर लिखेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम ब्रेक किया गया, तो यहाँ पर एफ से एफ कैंसिल हुआ, यहाँ पे पी से पी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बता यहाँ पर 1 upon f minus 1 upon p, minus का तो 1 upon p वो इधर आके क्या हो गया, plus का 1 upon p हो गया, और 1 upon q plus वाला वैसे ही आ गया, और 1 upon f बच गया। तो ये क्वेश्चन आई है 1 upon p plus 1 upon q ये बराबर है 1 upon f के, इसी को हम लोग कहते हैं मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला की डेफिनेशन ये होती है कि ये रिलेशन होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p, इमेज डिस्टेंस q, और फोकल लेंथ ऑफ मिरर का ये होता है रिलेशन होता है।